क्या लगता है आपको, किस तरह का मेयर या पार्षद जो हैं वो किस तरह के होने चाहिए जो जनहित में कार्य करें? सर ये तो बड़ा स्वाभाविक है, आप देखें कोई भी मतदाता जब भी अपना प्रतिनिधि चुनता है वो ये अपेक्षा करता है कि जो उसकी जिम्मेदारियाँ हैं, जिस बात के लिए उसे चुना जा रहा है, वो उसे पूरा करें। मेरा मानना है कि नगर निगम की जो जिम्मेदारी है शहर के प्रति, शहर के नागरिकों के प्रति, विकास के प्रति, साफ सफाई के प्रति, जो भी उनकी जिम्मेदारियाँ हैं उनका निर्वहन करने वाला ही व्यक्ति पार्षद भी होना चाहिए अपने वार्ड के लिए, और अगर मेयर भी है तो वो भी वही होना चाहिए जो सभी पार्षदों को लेकर, पूरे नगर निगम को लेकर, पूरे शहर के प्रति अपनी सोच रखता हो, सकारात्मक विकास की सोच रखता हो, साफ सफाई की बात सोचता हो, और जो नगर निगम के जो वास्तविक जिम्मेदारियां हैं उनको निर्वहन करने का संकल्प लेता हो, ऐसा होना चाहिए। बेसिकली अपने भरतपुर के विनाश का जिम्मेदार कौन है, जनता, जनप्रतिनिधि या प्रशासन? सर मेरा मानना है कि जनता तो मैं जनता को तो गलत इसलिए नहीं कहूँगा, जनता की तो मजबूरी है, जब मैदान में एक जैसे ही कैलिबर के चार आदमी हैं तो किसी एक को चुनना पड़ता है। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि ज़्यादातर जो राजनीतिक दल हैं एक उम्मीदवार का चयन अच्छा नहीं कर पाते हैं, उम्मीदवार वो नहीं होता है जो जो होना चाहिए, जो उस पृष्ठभूमि का हो जो समझ सके, ये एक गलती है राजनीतिक दलों की, और जो पार्टियां जो फैसला करती हैं उम्मीदवार गलत देकर, तो जनता की तो मजबूरी है, कहीं ना कहीं राजनीतिक दल उस बात में ही गलत साबित होते हैं। चुनावों से पहले जो उम्मीदवार होते हैं चाहे वो किसी भी पार्टी के हों चाहे निर्दलीय हों, उनके आमजन के सामने अलग वादे होते हैं, लेकिन धरातल की स्थिति चुनाव जीतने के बाद कुछ और ही नज़र आती है। ये भी एक विडंबना है और आज के राजनीतिक माहौल की मजबूरी है, हर दल के साथ है, हर स्तर पर है, पार्लियामेंट स्तर पर भी है, असेंबली स्तर पर भी है, पंचायत में भी है, नगर निकाय में भी है, ये भी एक मजबूरी है, क्योंकि पता नहीं क्यों थोड़ा सा ऑडियंस भी उसी बात में बह जाती है और आदमी सच्चाई जो भी बोलता है फिर उसका गुजारा नहीं होता। अगर ईमानदारी से कोई भी आदमी वो बात कहेगा जो वास्तविकता में वो करने वाला है तो लोग बहुत प्रभावित नहीं होते, इसलिए कहीं ना कहीं प्रलोभन हर दल, हर पार्टी और हर उम्मीदवार, निर्दलीय भी कुछ ऐसी बात कर देगा कि जो अब तक नहीं हुआ मैं कर दूंगा, हालांकि ये भी उतना सार्थक नहीं है, क्योंकि जब दल के साथ नेतागिरी करने वाला आदमी, जब दलगत राजनीति में जो उनकी सरकार चलती है, जो पक्ष विपक्ष में होते हैं, जिनका समूह होता है, जब वो पार्षद या वो विधायक और वो संसद के लोग नहीं कुछ कर पाते तो एक निर्दलीय बेचारा क्या कर पाएगा, सिवाय इसके कि हमेशा हल्ला ही करता रहेगा, हमेशा रोड पे खड़ा रहेगा वो। यदि आपको चुनाव लड़ने का मौका मिले तो आप पार्षद का लड़ना पसंद करोगे या मेयर का? नहीं, मेरा मानना यह है कि एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात ये हुई है इस बारी कि कांग्रेस सरकार में आते ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जनवरी के महीने में ये आदेश कर दिए कि मेयर का, नगर निकाय का चुनाव चेयरमैन का, सभापति का और मेयर का सीधे तौर पर होगा, जनता द्वारा चुना जाएगा। ये बहुत अच्छी बात थी। इस बात का उदाहरण मैं इसलिए कह सकता हूँ कि इस कार्यकाल से पहले का जो चुनाव हुआ था जिसमें सुमन कोरी नाम की एक बेचारी गरीब और अनाथ बच्ची जो है वो सीधे तौर पर उस पद पर काबिज हो गई जिस पर वो शायद वहाँ जहाँ शायद वो पार्षद भी नहीं बन सकती थी सिर्फ और जनता की वजह से। तो जनता के बीच से चुनाव अगर ये होता तो ये बहुत बढ़िया होता, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस शासन में कांग्रेस को भाजपा के बढ़ते वर्चस्व का, मोदी जी के प्रभाव का, जो कार्य इस वक्त हो रहे हैं सरकार में उनका कहीं डर लग गया, उनके सर में ऐसा दिखाई दिया कि 9, 10, 11 जो भी मेयर हैं पूरे राजस्थान में वो सारे के सारे बीजेपी को चले जाएंगे जनता के, इस डर के मारे उन्होंने फिर वही इनडायरेक्ट वाली प्रक्रिया को लागू कर दिया, ये एक बात कर दी, दो मेयर बढ़ा दिए वो दूसरी बात कर दी, और तीसरा एक और कर दिया जो प्रलोभन को और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है कि बिना पार्षद बने भी कोई मेयर का चुनाव या चेयरमैन का सभापति चुनाव लड़ सकता है। तो इसे मैं तो कम से कम निजी तौर पर कंडम करता हूँ। देखिए मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ आज की तारीख में, और मेरी निष्ठा और मेरी लॉयल्टी पार्टी के साथ है। पार्टी अगर चाहेगी, क्योंकि ये पहली बार मेरी जानकारी में भरतपुर की मेयर की सीट SC हुई है, सामान्य SC हुई है, तो अगर पार्टी चाहेगी तो मैं बेशक मेयर के पद के लिए ही मैं अपनी उम्मीदवारी पेश करूंगा। आपके एजेंडे क्या रहेंगे भरतपुर के विकास को लेकर? सर मैं दोहराना चाहूँगा जैसे मैंने पहले कहा है कि जो नगर निगम का कार्य क्षेत्र है, जो उसकी जवाबदेही और जिम्मेदारी है शहर के नागरिकों के प्रति, शहर के प्रति, शहर के विकास के प्रति,
मैं उसको शत प्रतिशत निभाने का प्रयास करूंगा, जो शायद इससे पहले उस तरह से नहीं हुआ है जैसा मैं करने की सोच रहा हूं। और मेरा ये दावा है, मैं इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं आपके चैनल के माध्यम से जनता जनार्दन को, शहर के जनार्दन को, कि ऐसा कुछ करके मैं 5 साल के कार्यकाल में जाऊँगा यदि मुझे मेयर बनने का मौका मिला, कि लोग ये कह पाएंगे कि हाँ कुछ हुआ है। निकाय चुनावी घोषणा से पहले गहलोत जी ने एक निकाला था कि भाई पार्षद ना होकर आम जन मेयर का चुनाव करेगी, लेकिन किन्हीं कारणों के कारण अब वो पार्षद ही मेयर का चुनाव करेंगे, तो उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? इसमें साहब बड़ा सीधा सा मामला यह है कि भाजपा के बढ़ते ग्राफ से, मोदी जी की पॉपुलैरिटी से कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार, राजस्थान की गहलोत सरकार इस बात से डर गई और उन्होंने अपने ही फैसले को, जनवरी में जो फैसला था सीधे चुनाव कराने का, उसको पलट दिया। इनडायरेक्ट चुनाव करवा रहे हैं क्योंकि इसमें खरीद फरोख हो सकती है। दूसरा, उन्होंने इस बात को भी कर दिया है कि अगर मान लीजिए कोई उनका ऐसा आदमी जो सक्षम हो और पार्षद नहीं बन पाता है तो बिना पार्षद बने भी लड़ सकता है, तो ये भ्रष्टाचार को और हॉर्स ट्रेडिंग को, खरीद फरोख को और बढ़ावा देगा। मैं इसे निजी तौर पर कंडम करता हूँ, मेरी पार्टी भी इसके सहमत में नहीं है और मेरा मानना यह है कि रोड पर और अखबारों में और टीवी में इस बात का भी खंडन इन्हीं के पार्टी के अध्यक्ष सचिन पायलट, जो कांग्रेस के यहाँ के राजस्थान के अध्यक्ष हैं, जो डिप्टी सीएम भी हैं, उन्होंने भी इसको ये कहा है कि लोकतंत्र की हत्या है, जो कांग्रेस पार्टी का एजेंडा नहीं है। तो इनके अंदर भी मतभेद है, मेरा मानना है ये गलत है, इससे खरीद फरोख का जो मूल्यांकन है वो बढ़ जाएगा और भ्रष्टाचार बढ़ेगा। यानी गहलोत जी का जो पहला डिसीजन था वो उन्हें रद्द करना पड़ा अपने किसी पॉलिटिकल दबाव के कारण? नहीं, डर के कारण। सर्वे में उनको लगा कि सारे के सारे मेयर, सारे के सारे चेयरमैन, लगभग 80% ज़्यादा चेयरमैन सीधे तौर पर जनता में भाजपा का ग्राफ है, मोदी जी के प्रति उनकी आस्था है और वो उनको चुनेंगे, तो इनको लगा कि हमारा कुछ नहीं हो पाएगा, इनकी सरकार खतरे में आती, इनके आपसी मतभेद निकल के सामने आते। अगर ये होता तो गहलोत जी की जो लीडरशिप है, जो उनका मुख्यमंत्री का जो पद है, उस पर सवाल निशान लगते और जो उनको विरोधी लोग हैं, इसमें क्लियर तौर पर साफ दिखाई देता है कि डिप्टी सीएम बिल्कुल 36 का आंकड़ा लेकर खड़े हुए हैं, वो उनसे इस्तीफा मांगते, तो उन्होंने अपनी अस्थिरता को रोकने के लिए ये अपने डिसीजन को ही पलटा है।